नाइन, उदाहरण नो, 2x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6x ऋण 2 के सभी शून्य ज्ञात करो। हमें इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर इस बहुपद में x की अधिकतम घात 4 है, मतलब कि इसके 4 शून्य है। x की जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने बड़े शून्य को उतने ही शून्य होते हैं। यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 है, मतलब कि इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, इस बहुपद के 4 शून्य होंगे, है ना। यदि आपको इसके 2 शून्य दिए, मतलब कि इस बहुपद के हमको 2 शून्य दिए, पहला शून्य करणी 2 है और अगला शून्य ऋण करणी 2 है, और हमको अन्य शून्य यहाँ पर ज्ञात करना है। इस बहुपद के 2 शून्य बस दिए हमको और बाकी शून्य हमको ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना बहुत सरल होता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस बहुपद को सबसे पहले आपको पी एक्स के बराबर मान लेना है। मान लो कि ये बहुपद पी एक्स के बराबर है, सिंपल मान लो, माना बहुपद पी एक्स बराबर है 2x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6x ऋण 2 है ना। सिंपल आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके दो शून्य क्या दिए है, दो शून्य, शून्य का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। यहाँ पर एक्स के 4 मान है, इसमें से हमको एक्स के 2 मान दिए है। पहला मान दिया है एक्स बराबर करणी 2 दिया है, और अगला मान एक्स बराबर ऋण का करणी 2 दिया है। एक्स के हमको 2 मान यहाँ पर बराबर दिए है। एक्स का पहला मान है करणी 2, एक्स बराबर दिया है करणी 2, और एक्स का दूसरा मान है ऋण करणी 2, एक्स का दूसरा मान यहाँ पर ऋण करणी 2 है। दो शून्य दिए मतलब एक्स के 2 मान दिए। एक्स का पहला मान दिया है करणी 2, और एक्स का दूसरा मान दिया ऋण का करणी 2, एक्स का दूसरा मान दिया ऋण का करणी 2। अब देखिए दिया मान, अब सिंपल सी बात है, बराबर किस तरफ करणी 2 धन का है, पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो ये ऋण का हो जाएगा, हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तथा का देखिए फिर लगा दी मैंने यहाँ पर कोमा, एक्स का एक्स बराबर किस तरफ करणी 2 ऋण का है, इस तरफ आकर के यहाँ पर ये धन का हो गया, हो गया धन का, धन का हो गया, हो गया धन का, है ना, बराबर किस तरफ आकर के ये धन का हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पर देखो एक्स ऋण करणी 2 के बराबर में 0 है, और एक्स धन करणी 2 के बराबर में भी यहाँ पर 0 है, तो हम इन दोनों के बराबर में होल 0 ले सकते हैं। तो एक्स ऋण करणी 2, एक्स ऋण करणी 2 इंटू एक्स धन करणी 2, एक्स धन करणी 2, इन सबके बराबर में जाएगा यहाँ पर 0। अब सिंपल सा देखिए, एक सूत्र होता है ए ऋण बी इंटू ए धन बी, इन दोनों को हल करना है। सूत्र होता है ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर होता है ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर होता है 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2। हमने पढ़े सूत्र, 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए धन बी इंटू ए ऋण बी। तो जमा दोगे ए ऋण बी इंटू ए धन बी, लग जाएगा यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला, है ना, मतलब कि एक्स ऋण करणी 2 इंटू एक्स धन करणी 2 बराबर एक्स की घात 2 ऋण करणी 2 की घात 2। अरे सूत्र एक सर्व समीका होती है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए धन बी इंटू ए ऋण बी, मतलब कि आप ए ऋण बी इंटू ए धन बी को आप 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 लिख सकते हो। उसी प्रकार एक्स ऋण करणी 2 इंटू एक्स धन करणी 2 को आप एक्स की घात 2 ऋण करणी 2 की घात आप 2 लिख सकते हो, लिख दिए। अब वर्ग से करणी कट गई, वर्ग से करणी कट गई, एक्स की घात 2 का एक्स की घात 2 ऋण का ऋण, वर्ग से करणी कट गई, तो यहाँ पर 2 का 2 बराबर का बराबर 0 का 0। देखिए यहाँ पर एक करणी 2 और ऋण करणी 2 इस बहुपद के शून्य थे, है ना, और इन्हीं शून्यकों से इस बहुपद इस समीकरण का निर्माण हुआ है, हुआ है निर्माण। मतलब कि ये जो पद है, ये पद इस बहुपद का एक गुणक है। ये जो पद है ना, एक्स की घात दो ऋण दो, ये पद इस बहुपद का एक क्या है, गुणज है। एक्स की घात दो ऋण दो इस बहुपद का एक क्या है, इस बहुपद का एक गुणज है। मतलब कि बहुपद पी एक्स है ना, बहुपद पी एक्स का एक गुणज क्या है, एक्स की घात दो ऋण दो, है ना, एक्स की घात दो ऋण दो इस बहुपद का एक गुणज है, गुणज है ना। और देखो अगर देखना, इस बहुपद का एक गुणज तो हमने निकाल लिया, ये है, जैसे कि 6 है 6 के 2 गुणज होते हैं, 2 × 3 है ना, 2 6 का एक गुणज है और 3 भी 6 का गुणज है। उसी प्रकार इस बहुपद का एक गुणज x की घात 2 ऋण 2 है, इस बहुपद का एक गुणज x की घात 2 ऋण 2 है। अगर मैं इस बहुपद में इसका भाग दूं, अगर मैं इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दूं,
अगर मैं पी एक्स में इस बहुपद का भाग दूं, अगर मैं पी एक्स में इस बहुपद का भाग दूं, तो इसका दूसरा गुणज निकल करके आ जाएगा। आ रहा ना आपको समझ में? अब कुछ नहीं करना है आपको, इस बहुपद में आपको इस गुणज का भाग देना है। जब आप इस बहुपद में इस गुणज का भाग दे दोगे तो इसका एक और गुणज निकल करके आ जाएगा, है ना। सिंपल देखा, बहुपद का अन्य गुणज ज्ञात करने के लिए, बहुपद का अन्य गुणज यहाँ पर जा है ना, बहुपद का अन्य गुणज ज्ञात करने के लिए सिंपल आपको बहुपद 2x4 जो आपका सवाल दिया है, है ना, जो आपको सवाल दिया, इसमें आपको सिंपल, है ना, इस बहुपद में आपको सिंपल 2x4 ऋण 3x2 ऋण 3x2 धन 6x2 को 1x2 ऋण 3 से भाग देने पर इसमें आपको इसका भाग देना है। क्लियर? सिंपल भाग बस देना है आपको, बस आपका आंसर आ गया। सिंपल आप भाग देना है, क्लियर, सिर्फ भाग देना है। क्या कह रहे हमने? कुछ ने x के बराबर इसको माने, एक समीकरण माना, और इस समीकरण में हम, और इस बहुपद में हम इस समीकरण का भाग देंगे। सिंपल है ना, भाग दो तुरंत आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए सिंपल आपको यहाँ पर भाग देना है, भाग देना है यहाँ पर बहुत सरल होता है। देखिए आप भाग दे दीजिए सिंपल, देखो मेन बहुपद हमारा दिए, उसको हम यहाँ पर बीच में लिख लेंगे, 2x4 ऋण 3x3 ऋण 3x2 धन 6x2। भाग किसका दे रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 1x2 ऋण 2 का। इसका प्रथम पद क्या है, इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? 2x4। तो इस बहुपद के प्रथम पद को उठाओ, रफ में अलग से अलग लिख लो, 2x4 है यहाँ पर, मैंने लिख लिया 2x4। अब इस बहुपद का प्रथम पद 1x2 है, तो 1x2 को इसको बटे में लिख लो, लिख लिए। अब नीचे 1x2 और ऊपर 1x4 है, 1x4 का मतलब कि ऊपर 4x है, और 1x2 का मतलब है कि नीचे 2x है, है ना। तो 2x से ऊपर के 2x कट गए 2x, तो 4x थे, 4x में से 2x कट गए, तो कितने x बचे? 2x बचे, 1x2 बचा, 2 का 2। क्लियर? अब यहाँ पर भाग देने के बाद जो पद आया, इस पद का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, इस पद का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, कर दीजिए गुणा, 2x2 का 2x2, भाजक है यहाँ पर 1x2 ऋण 2, तो यहाँ पर लिख दो 1x2 ऋण 2। क्लियर? अब देखिए, है ना, सिंपल गुणा करना है ना, पहले इसको उठाओ बटे में, इसको रखो, हल कर उत्ता है, इसको गुणा इस भाजक से कर दो, है ना। करूँ मैं गुणा? पूरे कोष्टक है, मतलब कि इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा। सिंपल सी बात है, 2 का 2, 1x2 इंटू 1x2 1x4 हो जाएगा, ऋण का ऋण, 2 × 2, 2 × 2 होता है 4, 1x2 का 1x2। सिंपल गुणा करने पर क्या आया? गुणा करने पर आया हमारा 2x4 ऋण 4x2। अब सिंपल आपको जमाते आना चाहिए, जमाना कैसे वो अच्छे बारीकी समझ लो, जमाते आना चाहिए। घात 4 वाले के नीचे घात 4 वाला लिखना है, और घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला लिखना है, है ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? घात 4 वाले के नीचे घात 4 वाला ही लिखा जाएगा, और घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला लिखना है, है ना। घात देख करके जमाना है, यहाँ पर घात 4 वाला है, ये घात 4 वाला है, इस घात 4 वाले पद को मैं घात 4 वाले पद के नीचे लिख दूंगा, तो घात 4 वाले पद के नीचे मैंने घात 4 वाला पद यहाँ पर लिख दिया। ये घात 2 वाला पद है, तो इस घात 2 वाले पद को मैं घात 2 वाले पद के नीचे लिखूंगा। कई बच्चे गलती ये करते हैं, इसको यहाँ पर ले देते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं आएगा ना, घात 3 वाला है और ये घात 2 वाला है, इसलिए घात 2 वाला घात 2 वाले के नीचे ही आएगा। अब सिंपल आपको घटाना है, घटाते समय चिन्ह उलट जाते हैं, घटाते समय चिन्ह उलट जाते हैं। इसके सामने अभी कुछ धन लगा है, कुछ नहीं मतलब धन लगा है, धन वाला हो गया ऋण का। इसके सामने ऋण लगा है, तो ऋण वाला हो जाएगा यहाँ पर धन का, चिन्ह उलट जाएंगे। तो देखो धन के 2x4 में 2x4 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये पद जैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि है ना, ऋण का ऋण 3x3 का 3x3 जैसे का वैसा। अब ये भी घात 2 वाला, ये भी घात 2 वाला है, तो घात 2 वाला और घात 2 वाला आपस में हल हो जाएगा। देखो ये धन वाला है और ये ऋण वाला है, जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा जाता है, है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा जाता है। तो 4x2 में से 3x2 गया, कितना बचा? 4 में से 3 गए, 4x2 में से 3x2 गया, कितना बचा? 1x2 बचा। 4x2 में से 3x2 गया, तो 1x2 गया। और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने, यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है और इसके सामने का चिन्ह धन है, इसलिए इसके सामने भी यहाँ पर धन ही रहेगा, धन 6x का धन 6x, ऋण 2 का ऋण 2। क्लियर? अब उसी प्रकार
इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण तीन ऐसी घात तीन। तो सिंपल, आपको इस बहुपद का प्रथम पद ऋण तीन ऐसी घात तीन दिया है ना, तो यहाँ पर लिख दो ऋण तीन ऐसी घात तीन। सिंपल लिख दो ऋण तीन ऐसी घात तीन, लिख दिए। फिर लगा दो बटे, इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? एक्स की घात दो, तो यहाँ पर बटे में लिख दो एक्स की घात दो। अरे कुछ मत करो, इस बहुपद का प्रथम पद ऋण तीन ऐसी घात तीन, तो यहाँ पर लिख दो ऋण तीन ऐसी घात तीन। इस बहुपद का प्रथम पद ऐसी घात दो, तो बटे में लिख दो ऐसी घात दो। लिख दिए, लिख दिए ऐसी घात दो। अब देखिए यहाँ पर एक्स की घात तीन मतलब, और यहाँ पर ऐसी घात दो है तो कट जाएगा। यहाँ पर ऐसी घात तीन मतलब कि एक्स तीन बाहर है, यहाँ पर एक्स दो बाहर है, तो नीचे के दो एक्स से ऊपर के दो एक्स कट गए, और तीन एक्स में दो एक्स गए, एक ही एक्स बचेगा, है ना। और ऋण तीन का ऋण तीन, क्लियर। अब यहाँ पर जो पद आया ना, इस पद का गुणा इस भाजक से कर दो, जैसे ऊपर कर रहे थे ना सेम बेसी करना है। इस पद का गुणा इस भाजक से कर दो, तो ऋण तीन एक्स का ऋण तीन एक्स। अरे ऋण तीन एक्स का ऋण तीन एक्स, इसका गुणा इस भाजक से कर दो। भाजक है यहाँ पर ऐसी घात दो ऋण दो, यहाँ पर एक दो ऐसी घात दो ऋण दो, क्लियर। अब इसका गुणा इससे भी हो जाएगा और इसका गुणा इससे भी होगा, तो कर दो। तीन का तीन ऋण का ऋण तीन का तीन, एक्स इंटू ऐसी घात दो बराबर ऐसी घात तीन। ऐसी घात एक इंटू ऐसी घात दो, आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, एक्स की घात दो और एक की घात एक, दो और एक हो जाएगी यहाँ पर तीन। अब गुणा कर दो फिर, ऋण गुणित ऋण होता है धन, तीन गुणित दो तीन दूनी हो गया छः, एक्स का हो गया एक्स, क्लियर। अब जमाना सीख लो, घात तीन वाला, ये घात तीन वाला पद है, तो घात तीन वाला पद घात तीन वाले पद के नीचे ही जाएगा, तो इस पद को मैं घात तीन वाले पद के नीचे लिख दूंगा। ये एक्स वाला पद है, तो एक्स वाला पद जो रहेगा वो एक्स वाले पद के नीचे लिखा जाएगा, है ना। तो छः एक्स के नीचे यहाँ पर आपको छः एक्स को यहाँ पर आपको लिख देना है, लिख दिए। अब सिंपल भाग देने के बाद हम घटाते हैं, तो घटाते हमें चिन्ह उलट जाते हैं। इसके सामने भी ऋण लगा है तो ऋण वाला हो जाएगा धन का, इसके सामने भी धन लगा है तो धन वाला हो जाएगा ऋण का। घटाते समय चिन्ह पलट जाते हैं ना, इसलिए, है ना। अब देखिए तीन ऐसी घात तीन धन का है और तीन ऐसी घात तीन ऋण का है। अरे तीन ऐसी घात तीन धन का है, तीन ऐसी घात तीन ऋण का है, तो धन वाला से ऋण वाला कट जाएगा, कट गया और कट के हो जाएगा जीरो। छः एक्स धन का है और छः एक्स ऋण का है, तो धन के छः एक्स से ऋण का छः एक्स आपस में कट गए, कट गए और कितना होगा जीरो होगा। क्या बचा? यहाँ पर हो जाए ऐसी घात दो, यहाँ पर एक दिया मैंने ऐसी घात दो, यहाँ पर ऋण दो, यहाँ पर एक दिया मैंने ऋण का दो। अब वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे आप। इसका पहला पद उठा लो, इसका पहला पद ऐसी घात दो, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऐसी घात दो, लिख दिया ऐसी घात दो। इसका पहला पद क्या? इसका पहला पद ऐसी घात दो, तो बटे में लिख दो, फिर यहाँ पर ऐसी घात दो, भाग दो, ऐसी घात दो एक कम ऐसी घात दो। एक आया, इस एक का गुणा इस भाजक से कर दो, तो एक का गुणा जब मैं इस भाजक से करूँगा तो गुणा करने पर उतने का उतना ही आएगा। अब फिर जमा के लिख दो, घात दो वाले घात दो वाले नीचे लिख दिया, संख्या को मैंने संख्या के नीचे लिख दिया। अब घटाते घटाते हमें चिन्ह उड़ जाते हैं, अभी कुछ नहीं, मतलब धन का है, धन वाला हो गया ऋण का, अब ऋण तो ऋण वाला हो जाएगा धन का। देखो ऐसी घात दो धन का, ऐसी घात दो ऋण का है, कट के जीरो। दो यहाँ पर धन वाला, दो यहाँ पर ऋण वाला है, कट के हो गया जीरो, है ना। तो भागफल कितना आया? भाग देने पर भागफल कितना आया? देखिए जब आपने भाग दिए, तो भाग देने पर, जैसे ही आपने भाग दिए तो भाग देने पर आपका भागफल कितना आया? भाग देने पर आपका भागफल आया दो ऐसी घात दो ऋण तीन एक्स धन एक। भाग देने पर आपका भागफल आया दो ऐसी घात दो ऋण तीन एक्स धन एक आया। भाग देने पर आपका भागफल कितना आया? दो ऐसी घात दो ऋण तीन एक्स धन एक आया। ये भागफल आया ना, तो ये जो भागफल है ना, इस बहुपद का एक और गुणज है। ये भागफल इस बहुपद का एक और क्या है? गुणज है ना। आप जमा के देख सकते हो। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, होता है ना सूत्र। विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा है भाज्य, इसको बोलते भाज्य। ये हमारा भागफल है, इसको बोलते हैं भागफल। ये हमारा भागफल है, ये हमारा क्या है? ये हमारा भाजक, इसको बोलते भाजक। और ये हमारा शेषफल, इसको हम कहते हैं शेषफल। तो विभाजन एल्गोरिथम लगाना है आपको, सिंपल लगाना है। विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना दिया है? भाज्य का मान आपका इतना दिया है, इसको उठाओ भाज्य के नीचे लिख लो, इसको उठाओ, है ना। मान बस रखना है आपको, सिंपल मान जमाते आपको बन जाएगा। भाज्य के नीचे भाज्य लिख लो, बराबर के नीचे बराबर, भाजक के नीचे भाजक लिख लिया मैंने, गुणा के नीचे गुणा का चिन्ह लग गया, कोष्ठक लगा दिया, मतलब भागफल के नीचे मैंने यहाँ पर भागफल लिख लिया, और शेषफल तो यहाँ पर जीरो था, शेषफल नहीं भी लिखोगे तो आप चल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो, दो एक्स की घात चार ऋण तीन ऐसी घात तीन ऋण तीन ऐसी घात दो धन छः एक्स ऋण दो, ये जो है ना, इसके दो गुणनफल है। पहला गुणनफल इन दोनों गुणा करने पर इतना आएगा, मतलब जब आप इन दोनों गुणा करोगे तब इतना आएगा। मतलब कि इसके दो भाग है, पहला भाग इसका ये है और दूसरा भाग ये है। मतलब कि ये जो है ना, ये वाला जो पद हमने अभी निकाल करके लाया है, ये पद जो है, ये पद
इस बहुपद का एक अन्य गुणज है। ये वाला जो पद है ना, इसके दो गुणज है। पहला गुणज इसका ये वाला हो गया और इसका दूसरा गुणज ये वाला हो गया। दो गुणज है ना, है ना, आ रहा ना समझ में? मतलब इस बहुपद किसको हमने पीएक्स माना था, इसको हमने पीएक्स शुरू में पीएक्स माना था ना, अतः बहुपद पीएक्स का अन्य गुणज क्या है? गुणज ये वाला गुणज है, दो से घात दो ऋण तीन एक्स धन दो, ये वाला गुणज है ना, है ना, है गुणज। जब आप इसको हल करोगे, अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो एक्स के दो मान निकल करके आ जाएंगे और भाई इस सवाल का आंसर होगा, है ना। इसको आप हल कर लीजिए, है ना, इसको आप हल कर लोगे। गुणज हमारा ये आ गया, है ना, ये वाला हमारा एक अन्य गुणज है, इसको आप हल कर लोगे। हल करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके बराबर जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लो, ये माना दो ऐसी घात, इसको जैसे वैसे लिख दो, इसके बराबर हमने जीरो मान लिए, मान ली जीरो। अब सिंपल देखिए, इसका तीन एक्स मध्य पद होता है, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ो, तीन एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो, तीन एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि इन दोनों को हल करने पर यही वाला पद हमको प्राप्त हो। तीन एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि इसको हल करने पर यही वाला पद प्राप्त हो, तथा इन दोनों को गुणा करने पर गुणनफल भई हो, इन दोनों गुणा करने पर भई संख्या प्राप्त हो जो इन दोनों गुणा करने पर होता है। तो तीन एक्स को मैंने दो संख्या ढूंढ लिया, एक ढूंढा दो एक्स और एक ढूंढा मैंने एक एक्स, क्योंकि दो और एक मिलकर के हो जाएंगे तीन, दो एक्स और एक एक्स मिलकर के हो जाएंगे यहाँ पर तीन एक्स, हो जाएंगे तीन एक्स। ये ऋण का है, ऋण का है ना, इसलिए इसके सामने मैंने यहाँ पर ऋण लगाया और यहाँ पर मैंने लगाया ऋण, क्योंकि इन दोनों को हल करोगे तो आप जी आएगा, क्योंकि ऋण इसके सामने भी ऋण है, इसके सामने भी ऋण है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो दो एक्स और एक एक्स यहाँ पर तीन एक्स हो जाएगा, और ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा, आया। इसको गुणा कर, दो गुणित एक, दो एक कम होता है दो, और इन दोनों गुणा करो, दो एक कम होता है दो, इन दोनों गुणा करने पर भी दो ही आया, दो गुणित एक, दो एक कम दो, इन दोनों गुणा करने पर भी दो आया, है ना, क्लियर। तो तीन एक्स को हम दो एक्स और एक्स में हम तोड़ लेंगे। अब सिंपल, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, दो इसके पास भी, दो इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो दोनों पद में से दो एक्स कॉमन निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ से जब हम दो एक्स बाहर निकालेंगे तो दो तो बाहर निकल गया और दो एक्स में से एक एक्स बाहर निकल गया, तो अंदर सिर्फ एक एक से बचेगा, ऋण का ऋण। यहाँ पर दो एक्स, दो एक्स का हम दो एक्स बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? एक बचेगा। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? एक ही बचेगा। अब इसके सामने ऋण लगा, इसके सामने धन लगा है, तो दोनों पद से मैंने ऋण एक, ऋण कॉमन निकाल लिया। मैंने क्या निकाल? ऋण कॉमन निकाल लिया। ऋण कॉमन निकालते तो अंदर के चिन्ह उलट जाते हैं। यहाँ से ऋण कॉमन निकाल गया तो अंदर हो गया धन का, यहाँ से ऋण कॉमन निकाल के धन वाला हो जाएगा ऋण का। ऋण कॉमन निकालने पर चिन्ह उलट जाते हैं। अब देखिए, एक ऋण एक यहाँ पर भी, एक ऋण एक यहाँ पर भी है, तो दोनों पद से एक ऋण एक बाहर आ गया, अलग लिख लिया मैंने, एक ऋण एक ऋण यहाँ पर, तो दोनों पद से एक ऋण एक कॉमन आ गया, एक ऋण एक मैंने यहाँ पर लिख लिया, और क्या बचा? बचा दो एक ऋण एक अलग से अलग बचा, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं दो एक ऋण एक, मैं यहाँ पर अलग से अलग लिख लूँगा। बराबर का बराबर जीरो का जीरो हो जाएगा। अब देखिए, इसके बराबर में जीरो है, उसके बराबर में जीरो है, इन दोनों गुणों का बराबर जीरो है, मतलब इसके बराबर में जीरो, उसके बराबर में भी जीरो, तो दो एक ऋण एक के बराबर में जीरो ले लूँगा, दो एक ऋण एक बराबर जीरो हो गए, तथा एक ऋण एक के बराबर जीरो ले लूँगा, एक ऋण एक बराबर हो जाएगा यहाँ पर जीरो। बराबर किस तरफ? एक यहाँ पर ऋण का है, पक्षांतर कर दूंगा तो धन का हो गया। बराबर किस तरफ? एक यहाँ पर ऋण का है, पक्षांतर कर दूंगा तो धन का हो गया। बराबर किस तरफ? दो यहाँ पर गुणे में, पक्षांतर कर दूंगा तो बटे में आ गया। एक्स का एक्स बराबर का बराबर, एक का एक, दो गुणे में यहाँ पर आ गया बटे में, है ना। तो एक्स का पहला, देखो इसको हमने हल करे तो एक्स का पहला मान आ गया एक बटे दो, और एक्स का दूसरा मान आ गया हमारा एक्स, मतलब कि हमको शून्य ज्ञात करना था। सवाल ने बोला था ना, इसके चार शून्य रहेंगे, घात चार है, सभी शून्य ज्ञात कर, दो शून्य दिए, है ना, तो इसके दो शून्य और निकल करके आ गए, मतलब कि एक्स के और दो जो मान थे ना, एक्स के और दो मान निकल करके आ गए, एक शून्य आ गया एक बटे दो, और एक शून्य आ गया इसका एक। सिंपल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। अतः बहुपद के चारों शून्य कौन कौन से दिए हैं? बहुपद के चारों शून्य ये आपको दिए हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।